अज दो अहम मुद्दों ते असी गवर्नर साहब नूं मिले हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जिहनूं दा मुख्यमंत्री बनिया ऐ जिहियां चीज़ां पंजाब होण लग गईआं जिहड़ियां अज तक नहीं होईआं। कम्यूनल वायलेंस का कितने एग्जाम्पल तुसीं पंजाब च इन्ने साल देख लो कितने नहीं होया। जदों माहौल 20-30 साल पहले भी जदों टेररिज्म दे सी उदों भी कितने कम्यूनल वायलेंस नहीं होई, भरावां भरावां विच परिवार वांगू रहिंदे सी। पर जदों दी आई है सरकार कोई ना कोई डायरेक्शन चेंज करन लग गई है अपनी कमियां नूं लुकाउण वास्ते। जिहड़ा पटियाले विच जिहड़ा कम्यूनल वायलेंस होई है आ इक बड़ी सीरियस है। क्यों सीरियस है? क्योंकि इहदे पिछे क्लियर लगता है कि रोल सरकार दा सही नहीं। 4 दिन पहले खुफिया एजेंसियां ने दसता सी कि आ होण लग्या, पर सरकार रिटर्न दिता तो इन्होंने सरकार इन्हें भगवंत मान ने कुछ नहीं किया। जदों हो जाता एक वायलेंस तो उहदे बाद CM नहीं स्टेटमेंट दिंदा, इन्हां दा दिल्ली दा राघव चड्ढा दिंदा स्टेटमेंट कि आ BJP ते अकाली दल विच कलैश है। देखो किड्डी माड़ी स्टेटमेंट है। उहदे बाद फिर चीफ मिनिस्टर जिहड़ी पहले चीफ मिनिस्टर नूं बयान देना चाहिए उन्हें नहीं दिता, राघव चड्ढे ने दिता जो उते केजरीवाल दे हुक्म तक दिता गया। तो उहदे बाद चीफ मिनिस्टर बयान दिंदा अकाली दल ते BJP साजिश है। आ करना की चाहते हैं? आप पंजाब विच लड़ाई पाउणा चाहते हैं? हले इंसीडेंट थोनू पहले पता लग गया तुसीं कीता नहीं, बयान तुसीं इररिस्पोंसिबल स्टेटमेंट दे रहे हो, उहदे बाद तुसीं चेंज कर दिंदे हो। पहले तुसीं कहिंदे हो कि उह सिंगला दोषी है ते उहनां दी हर कम्यूनिटी पटियाले वाले कहिंदे आ कि सिंगला दोषी है, उहदे बाद इमीडिएटली स्विच कर दिंदे आ, अगले दिन ही स्विच करके दूजे बंदे दा परवाना दा नाम ले लैंदे आ। आ की है? तो खास करके जी मैनू है लग रहा है कि अपन नाकामिया लुका करके सरकार का भी हथ हो सकता प्लानिंग जो जी। इस करके सानू जांच से गवर्नर साहब ने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब विच अमन शांति भाईचारिक सांझ रखनी सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है पंजाब वास्ते, देश वास्ते भी। तो जदों की आम आदमी पार्टी सरकार आई है आ जी हालात बनाई जाती है अपनिया कमियां नूं लुकाउण वास्ते, डायरेक्शन नूं लोकां दी सोच नूं डायरेक्शन नूं चेंज करन वास्ते इह जी हरकतां करन लग गए है। तो इस करके इहदी CBI दी जांच होए या एक सिटिंग जज या हाई कोर्ट दी कोई मॉनिटर कुकारी होए, क्योंकि जे आपां शुरू च नत्थ पाली तो ठीक है, नहीं तो इन्हें इह जे सरकार ने एक होर इह जे कम कराते तो बहुत वड्डा नुकसान पंजाब का भी होगा, भाईचारक सांझ का भी होगा, तो देश का नुकसान भी होगा। दूजी गल जिहड़ी असीं गवर्नर साहब नूं कही कि जदों एक सरकार बनती है एक ओथ लिती जाती है सहुं चुकी जाती है जिथे हर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सहुं चुकता है कि जो भेद सरकार दे होणगे जो सीक्रेसी होगी सरकार दी मिनिस्टर कितने बाहर दस नहीं दूगा, हर भेद सरकार दे अपने कोल रखूगा बाहर नहीं दसूगी शेयर करूगा। इत्थे आन साल क्योंकि केजरीवाल का हुक्म केजरीवाल ने चलाना सी ते उन्हें अफसर बुलाने शुरू कर दते, जो अफसर बुलाने लग गए मीडिया च आ गया, मीडिया च आ गया तो फिर इन्होंने सोचा कि राह लभीए, अग्रीमेंट कर लिया, MOU कर लिया, 14 डिपार्टमेंट का MOU करके उन्होंने कहा कि असी अफसर एक्सचेंज करांगे। पर मकसद की सी कि जिहड़े फैसले केजरीवाल ने कराने सी ते अफसरां नूं बुलाउणा सी, लोकां दी मीडिया सवाल ना चके, लोकी पंजाब दे सवाल ना चके, एक राह बनिया जिहड़ा अनकॉन्सटीट्यूशनल है। असी उहनूं कहा आ अनकॉन्सटीट्यूशनल है, फैडरल ढांचे की वायलेशन है। दूजी गल वायलेशन जिहड़ी हैगी ओथ सीक्रेसी जिहड़ी ओथ है मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर ओथ की वायलेशन है। सो जिहड़ी ओथ की वायलेशन हुंदी है ते गवर्नर साहब डिसमिस भी कर सकते सरकार, एड्डी सीरियस वायलेशन ओदी है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो इस करके असी गवर्नर साहब को बेनती की कि आ जो पैक्ट है इमीजिएटली रद्द किया जाए,
ते इहदे ते एक्शन लीगल लिता जाए, इनकुआरी करा के जे वायलेशन ऑफ लीगल ओपीनियन लैके इन्हां दी सरकार दे खिलाफ एक्शन लिता जाए। क्योंकि जिस तरीके नाल सरकार चल रही है, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर नहीं है पंजाब का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का केजरीवाल है। तुसी हर स्टेटमेंट, जे बिजली दे संकट है, चेयरमैन बिजली बोर्ड के पावर सैकटरी जाते कितने है? केजरीवाल को दिल्ली जाते, उन्हें अफसर को जाते हैं। जे लॉ एंड ऑर्डर की गल आती है, गुजरात में केजरीवाल बयान दिता है कि असी दोषियों को फड़ांगे, पंजाब के दोषी जिन्हें पटियाला इंसिडेंट किया है। केजरीवाल कौन हों बयान देना कि वह पंजाब का चीफ मिनिस्टर है? बयान जो आए तो भगवंत मान को देना चाहिए। राघव चड्ढा कौन है? इहदा मतलब नहीं है कि जो मर्जी आके इत्थे पंजाबियों के उत्ते राज करना कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, वो पंजाबी बर्दाश्त नहीं करनगे। इस करके असी गवर्नर साहब नूं बेनती की है दोनों इशू ते, बंदी अपने जिहड़े हैगे पटियाला का इंसीडेंट जिहड़ा हैगा उहदी हाई कोर्ट की इनकुआरी ते या CBI की इंडिपेंडेंट इनकुआरी, दूजी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ते ओथ की वायलेशन सरकार ने करके मैं लगता है एड्डी वड्डी वायलेशन है कि शायद इन्हां नूं डिसमिस भी कर सकती है सरकार गवर्नर। सो असी क्या आ दो बेनती कर असी अज कीतिया गवर्नर साहब, असी ओही कीता दरखास्त की जाए क्योंकि ओथ की वायलेशन है। हर प्रधानमंत्री बनता है देश, जे देश का प्रधानमंत्री बनता है कि वह देश का प्रधानमंत्री दूजे देश का समझौता कर सकता कि मैं सारे अफसर थोड़े को जाएंगे? अपनी देश की रक्षा भी इशू होंगे, सीक्रेसी की इशू होंगी है। आप कोई बंदा अपना देश की सारिया चीज़ा दूजे सामने, फाइलों दूजे सामने नहीं रख सकता। इतने कंप्लीट वायलेशन है जोड़ा MOU किया गया है कि अपने सारे पंजाब के सारे डिपार्टमेंटा दाइलों हूँ पहले देखते दे हैं दिल्लियों। तो होर भी हैरानी की गल है, तुम हर मिनिस्टर नाल एक दिल्लियों केजरीवाल ने OSD लाया है जिहड़ा सारिया फाइलों हर मिनिस्टर नूं पहले OSD पढ़ते हैं फिर पंजाब के मंत्री फैसला करते हैं। उवें चीफ मिनिस्टर भगवंत मान दे कोले जिहड़ी चीज़ आउंदी है पहले फैसला उत्तों हुंदा है, राघव चड्ढे नाल बिठाया तो वह फैसला करके फिर चीफ मिनिस्टर तो दस्तखत होंगे है। जिन्निया बदलियां, जिन्निया ट्रांसफर, सारे फैसले सारे केजरीवाल ने किए है। इत्थे पंजाब च कोई फैसला भगवंत मान नहीं कर रहे। मैं एक होर बहुत वड्डा स्कैम जिहड़ा बहुत वड्डा स्कैम कर रहे हैं, फुल पेज एड दिती जा रही है आंध्रा दे पेपरां च, तमिलनाडु दे पेपरां च, गुजरात दे पेपरां च, हिमाचल दे पेपरां च कि बजट दा तुसी दसो कि सुझाव, पंजाब के बजट का सुझाव हूँ तमिलनाडु वाले तो पुछना है उत्थे की हो रहा है। इन्होंने की किया किकबैक लैन का 20% जिहड़ा हुंदा है जिहड़ा कमीशन हुंदा है वह जिन्नी एड जाती है और रूल है मीडिया एजेंसी का 15-20% किक आ डिस्काउंट आता है वापस आता है कर की रहे। हूँ इन्होंने बजट शुरू करता तकरीबन 700-800 करोड़ तो वध 1000 करोड़ तक का बजट इन्होंने बनाता, इतना घट्ट घट 100-150 करोड़ वापस लैणगे। देश की देखो पंजाब की नाले कहिंदे हालात माड़े है, तुसी 1000 रुपया प्रोमिस किया सी नहीं दिता, बिजली दे रेट तुसी कटाई कहिंदे कटाउण नूं कहा सी नहीं किया, 24 घंटे करन नूं कहा सी नहीं किया, हर तरीका पाई जाने हो पर इश्तहार देने वास्ते थोड़े को पैसे है 1000 करोड़ रुपया अपने झूठ दसन वास्ते थोड़े को पैसे है। हले नौकरी दिती नहीं, पोस्टा कड़ियां कोई प्राप्ति नहीं है, गरंटी पूरी हो ते फिर गरंटी पूरी होगी। सो लगातार आ अखबारों की एड दे के, वैब चैनलों एड दे के, आ पैसा दे के असी RTA तो इनफॉर्मेशन भी कढ़ा रहे हैं कि एग्जैक्ट किन्ना किन्ना पैसा कितने दिता गया, क्योंकि आ एक आ भी एक बहुत बड़ा स्कैम
ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਪਲਬਧੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਮਰਡਰ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਓਪਨਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 100 ਸਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ।